नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, पालक का चिल्ला। बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है पालक, यू नो, रिच इन आयरन, एंड ये बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आई पर्सनली लव्ड इट, आप भी ट्राई करें। एंड रेसिपी अच्छी लगे तो कहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे पालक को पीसकर। इसमें अब हम मिक्स करेंगे प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कुछ भी और मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ना जितनी सादगी भरी होती है ना उतनी अच्छी लगती हैं। दिस इज़ वन सच रेसिपी। इसका जो बैटर होगा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में होगा। ये जो हमारा बैटर है बन के रेडी हो चुका है, एंड दिस हैज़ टू बी द कंसिस्टेंसी। अब हम एक तवा लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, एंड अब हम इसमें बैटर स्प्रेड करेंगे और धीरे 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 इसको स्प्रेड करते जाएंगे, और जितना हो सके आप इसको पतला पतला स्प्रेड करिएगा। ये जो हमारा चिल्ला है स्प्रेड हो चुका है अच्छे से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल। बार बार इसे मत पलटाइएगा, एल्स आपका चिल्ला है टूट जाएगा। जब इस तरीके से आपको लगे कि ऊपर से कुक हो चुका है तब उसको आप टर्न कीजिए। एंड ये जो प्रोसेस है आपकी मीडियम फ्लेम पर होगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे चिल्ला जल्दी कुक हो जाएगा एंड अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से फ्लिप एंड टर्न करते रहेंगे और ये जो हमारा चिल्ला है बन के रेडी हो गया। आप इसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ, पापड़ के साथ, दही के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड इफ यू वांट एनी अदर सिंधी क्विजिन रेसिपी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।